बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कुकिंग विद सास बहू में बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दें। आज संडे का दिन है और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी बिरयानी। आज हम ये बनाएंगे मिट्टी की हांडी में बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजी है। और मिट्टी की हांडी में तो वैसे ही ऑलरेडी उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो चले आए बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। ये हमारा होममेड पिसा हुआ है, हम लोग इकट्ठा पीस के रख लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट अलग अलग बना के रखते हैं, पीस के रखते हैं, ताकि कभी किसी चीज़ में लहसुन डलता है, किसी चीज़ में अदरक डलता है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग हम रखते हैं इसको। 1 पाव दही है, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। चार बड़े टमाटर हैं और 12 से 15, ये मेरे पास छोटी मिर्चें थी, हरी मिर्चें छोटी छोटी सी, तो इसलिए मैंने 12 से 15 लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी बड़ी है तो आप 10 से 12 ले लें, बहुत है। और 4 बड़े टमाटर हैं, इस तरह हमने चॉप कर लिया इसको। और फ्राइड ऑनियन है, ये फ्राइड ऑनियन 3 बड़े साइज़ की हैं, इसको इस तरह से फ्राइड हुई हुई है, मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी फ्राई हुई हुई। गरम मसाले में मैंने 1 बड़ी इलायची ली है काली वाली, 1 दालचीनी का पीस लिया है और 10 से 12 लौंग लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्ची ली है छोटी वाली और काला ज़ीरा लिया है थोड़ा सा मैंने, और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची डालूँगी, 3 टेबलस्पून भर के मैं 3 टीस्पून भर के मैं पिसी हुई मिर्ची डालूँगी, पिसी हुई लाल मिर्चें, इस स्पून में भर के इसमें देगी लाल मिर्ची डालूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने स्पाइसी आप खाते हैं। हम लोग काफ़ी स्पाइसी बनाते हैं तो इसलिए नॉर्मली बनती है। 2 बेलीफ शामिल करेंगे हम इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून बस ऑयल ऐड करेंगे। मैरिनेट कर देंगे, थोड़ी सी मिर्च डालनी चाहिए। अम्मी भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ। आमीन सुमा आमीन। और एडवांस में रबी लेवल की मुबारकबाद। हाँ आप सबको, अम्मी आपको भी खैर मुबारक जी फिर अल्लाह पाक खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। बहुत खुशी का मौका है, आज चांद नज़र आ जाएगा। और हमारे घर में तो बाकायदा एक तकरीब होती है, चांद नज़र आता है तो हम दरूद से सलाम पढ़ते हैं सारे खड़े होके आका की आमद पर, और दरूदों का नजराना भेजते हैं। और ये ईद से भी बढ़कर ईद है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सारी ईदें मिली हैं। बेहतर, तो हमारे बहुत खुशी की बात है। और हमारे घर में लाइट्स भी लगने शुरू हो गई हैं, अल्लाह पाक बस क़यामत तक इस खुशी को कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। और जो इससे जलने कुड़ने वाले हैं वो जलते कुड़ते रहेंगे, और जो खुश होने वाले हैं वो खुशियाँ मनाते रहेंगे, आपके घर जगमगाते रहेंगे, दिल जगमगाते रहेंगे। बेशक, आमीन सुमा आमीन। हम इस चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा धनिया और पुदीना हाँ डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा धनिया पुदीना हम इसमें जब पानी बॉईल करेंगे यखनी का, वो चावलों का, फिर हम इसमें डालेंगे। और आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी अम्मी, 20 साल हो गए ना दादी को आते हुए। ये है हमारी छोटी दादी, ये 20 साल से हमारे घर आती हैं, कपड़े अपने धोती हैं और बहुत अच्छी हैं, और हमारी दादी हैं, बहुत मोहब्बत है हमारे बच्चों में, हमें भी बहुत मोहब्बत है इनसे। सलाम करें दादी।
अस्सलाम वालेकुम। और हमें भी इनसे बहुत मोहब्बत है, ये हमारे बहुत काम करती हैं और हमारा ख्याल भी बहुत रखती हैं, हमें भी इनसे बहुत मोहब्बत है। क्योंकि मेरी सासू माँ जैसी ही हैं, अम्मी जैसी हैं। हाँ, ये बस इनके थोड़े से अब नखरे हो गए, नखरे हो गए, पहले बहुत अच्छी थी, अब इनके थोड़े नखरे हो गए। और ना ये समझ नहीं है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं फेमस हो गई हूँ, तो मैं इनसे बात नहीं करूँगी, तो ये इनकी गलत है। मैं इसलिए बोल रही हूँ राधे, आप नखरे करना छोड़ दे। हांडी हमने गर्म कर ली है अच्छे से, इसमें एक पाव तेल डाल दिया है हमें। तीन दरमियाने साइज की प्याज मैंने इस तरह से स्लाइसेस कर ली हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, पानी देखते हैं मैंने चढ़ा दिया है। जितने हमारे मतलब एक किलो चावल है तो एक किलो से ज़्यादा मैंने पानी लिया है, हमने पानी बॉईल करने के चढ़ा दिया है। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते, दो हरी मिर्चें और तीन स्टार फूल हैं, स्टार फ्लावर और बादियान के फूल हैं ये तीन। और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनीगर ऐड कर देंगे वाइट वाला, ताकि ये अच्छे से हमारा पानी हो जाए। ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, कंप्लीट ब्राउन हो गई है, देखें। बस हांडी को गर्म होने में टाइम लगता है, वरना तो उसमें खाना जल्दी बन जाता है, बहुत ईजी। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ऐसे हल्के हल्के हाथ से चलाना है, ताकि मेरी चिकन टूटे ना और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए पकना शुरू हो गया, अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे हम इसको, ज़्यादा हाई पे भी नहीं रखेंगे, लो पे भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब तो हमारी चिकन गल लेगी, चिकन तो ऑलमोस्ट गल ही जाती है जल्दी, और पानी इसका थोड़ा पक गया, हम इसमें चावल ऐड करेंगे अपने। चावल हमारे डन हो गए, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमारे एक किलो चावल है, कितने अच्छे से बॉयल हो गए। 15 मिनट हो गए, चिकन हमारी हो गई है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, देखें ऑयल ऊपर आ गया है। हम दम लगाएंगे इसको, पहले मैंने थोड़े से नीचे चावल डाल दिए इसके लेयर में, ताकि हमारी चिकन वगैरह का मसाला जो ये लगे ना, तो हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करेंगे, फ्राइड अनियन डालेंगे इसमें, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, जावित्री का पाउडर, कलर डालेंगे थोड़ा सा इसमें।
सब कवर करके हमने इसको दम पे लगा दिया है। अब ये इस तरह से मैंने कपड़ा लगा दिया है, जिस तरह दम लगाते हैं। इसमें आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, आटा भी लगा सकते हैं। मैंने फॉइल पेपर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे चावल जो है तकरीबन ऑलमोस्ट डन है, और इसमें जो हमने यखनी डाली है वो भी डन है, और बस। और मैं आटा भी मैंने इसलिए वजह से नहीं लगाया। आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, कपड़ा लगा दिया है, दम लगाएँगे हम इसको। ये है हमारा इंस्टेंट रायता। दही लिया है मैंने, 1 कप दही लिया है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1 स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने आधी डली प्याज की, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसे वहाँ से काटनी है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और बहुत सादा रहता है, बहुत अच्छा बनता है। और आखिरी हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे ऊपर से। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे चावल दम हो गए, और इतना प्यारा लुक लग रहा है इसका। निकालेंगे इसको, और ये है हमारी चिकन हांडी बिरयानी का फाइनल लुक। देखिए यम्मी लग रही है, और बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी बनाएं अपने घर में, ट्राई करें। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले पहुँचे। और क्या कहते हैं, हमारी फातिमा को बहुत जल्दी हो रही है खाने की, है ना। हाँ, कह रही है कि बस चम्मच लेके आ गई हैं खाने के लिए, कि बस मुझे चखा दो जल्दी से, अभी खाएंगे फातिमा, रुक जाओ। और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न ईद मिलादुल नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।